हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने विवेकानंद एग्रीकल्चर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग प्रॉपर केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करते हैं बीएचओ और आईसीआर की परीक्षा के लिए। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अब हम लोग जो है केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो को लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जिनसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे लग रहा है कि जो हमने वीडियो बना के दिया था आप लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए हैं हमें, और आप प्रॉपर एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे होंगे। हमने बताया था आप केवल एनसीईआरटी पढ़नी है और उसका नोट्स जरूर बनाना है आपको। एनसीईआरटी पीछे क्वेश्चन दिए हों आप उसको लगाएंगे। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती तो हम उसके लिए आपको मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और पहले आप क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाएंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि हमारा बेस मजबूत हो। आप पहले बड़ा क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी आपने इतना पढ़ा नहीं होगा। ठीक, हम लोग इधर केमिस्ट्री के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड। अभी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आईसीआर में आया था, अभी हम बताते हैं आप कौन सा क्वेश्चन आया था उससे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ नोड, ये केमिस्ट्री में किस टॉपिक में मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। दो क्वेश्चन उससे आए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ नोड, या इसी को हम लोग लिखते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड। ठीक, इसका फार्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन, ये होता है रेडियल नोड का फार्मूला। यहां पर एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये एल मीन्स होता है यहां पर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, या बोल सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक, हम आपको बताएंगे अभी जो एल की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स में एल क्या होता है, नंबर ऑफ सब सेल, यानी एस पी डी एफ। तो एल की जो वैल्यू होती है एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, और डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए होती है 3 वैल्यू। ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। इतना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये बताया होगा। ठीक है, एस के लिए वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 होती है। और यहाँ पर एन क्या, जैसे हमने मान लो सपोज लिखा 4s, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, एक हमारा यहाँ से ऐसे निकालते हैं नोड, पहला फार्मूला ये है। इसके बाद जो सेकेंड फार्मूला है वो यहाँ पर, सेकेंड फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। एक निकालते हैं एंगुलर एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। इसी एक नाम और देते हैं प्लेनर नोड। क्या बोलते हैं? प्लेनर नोड। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू एल, एल मीन्स यहां से निकाल लेंगे। मान लिया अगर पी दिया हुआ तो पी के लिए एल की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक, एक होता है आपका थर्ड फार्मूला टोटल नोड कैसे निकालते हैं। टोटल नोड देखिए, जो टोटल हमारा नोड होता है उसका फार्मूला होता है एन माइनस वन। हम ये भी कह सकते हैं जो टोटल लोड होते हैं, जो टोटल लोड होते हैं वो इक्वल टू होंगे आपका रेडियल नोड, यानी रेडियल नोड, और प्लस होता है हमारा एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। ऐसे भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या टोटल नोड इन दोनों का ऐड होता है, सम होता है? बिल्कुल सही है। रेडियल नोड अगर हम लोग एंगुलर नोड को जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा टोटल नोड, या हम लोग निकाल लेंगे एन माइनस वन। ठीक, हम लोग देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपसे ऐसे पूछेगा पेपर में, यहां पर हम इसको हटा देते हैं, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए यह एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ कि 3p में, 3p में आपको बताना है रेडियल नोड एंड बताना है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। ठीक है, हम यहाँ पर आपको टोटल नोड भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 3p सबसेल दिया है, अब हमको बताना है क्या रेडियल नोड। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेडियल नोड के बारे में। फार्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पर n क्या है? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, पहले फार्मूला लिख देते हैं हम लोग n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ हो गया 3 माइनस, p सबसेल है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1। अगर यहाँ सपोज 3d होता तो d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती? 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एंगुलर नोड के बारे में। देखिएगा एंगुलर नोड क्या होता है? इक्वल टू l, एंगुलर क्या होता है? इक्वल टू l। तो यहाँ पर p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1।
अब देखिए मैंने क्या बताया, जो टोटल लोड है अगर हम इसी में हम लोग निकालते हैं आपका टोटल लोड यानी कुल लोड, कुल गांठों की संख्या, ठीक है, टोटल लोड। तो टोटल लोड क्या होता है, एन माइनस वन, इसको भी लगा सकते हैं। तो एन कितना है, थ्री, तो थ्री माइनस वन यानी कितना हो जाएगा, टू। और मैंने क्या बताया था, जो टोटल लोड होता है वो सम ऑफ रेडियन लोड एंड एंगुलर लोड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियल लोड कितना हुआ, वन, तो जो हमारा टू निकला है इसमें वन होगा आपका रेडियल लोड और प्लस वन होगा एंगुलर लोड, वन होगा आपका एंगुलर लोड। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं तो कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। और कंफ्यूजन अगर होता भी है तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स दिया है ना, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और हम जो उसका जो है रिप्लाई भी जरूर देंगे, ठीक है। सारा जीवन आप ही के साथ रहेगा हमारा, तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। चलिए भाई एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग यहाँ पर दिया है 4s में, यानी रेडियल लोड इन 4s एंड आपको बताना है रेडियल लोड एंड एंगुलर लोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रेडियल लोड है, एंगुलर लोड है, मैं बात करता हूँ रेडियल लोड के बारे में। फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, एन मीन्स यहाँ पर कितना हुआ 4 माइनस एल, एल मीन्स एल कहाँ से लाएंगे, यहाँ से जीरो, तो जीरो माइनस और वन तो कितना हो जाएगा 3, ठीक। एंगुलर नोड देखिए क्या आ जाएगा, इजकल टू एल, एल इजकल टू यहाँ पर क्या है एस के लिए, एल की वैल्यू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। अब मैंने क्या बताया, ये क्या हो गया रेडियल लोड एंगुलर लोड, हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल लोड। अब बताया जाए टोटल लोड क्या होगा, फार्मूला होता है एन माइनस वन, एन माइनस वन यानी फोर माइनस वन, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, फोर माइनस वन जो होगा इसका आंसर, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री, तो क्या टोटल लोड हमारे होंगे वो रेडियल लोड प्लस एंगुलर लोड होंगे, बिल्कुल सही होगा। टोटल लोड क्या होता है मैंने बताया, दोनों का आप जोड़ दो, तो बिल्कुल सही फार्मूला है टोटल लोड निकालने के लिए, दोनों का हम जोड़ देते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग मिलाते हैं उस क्वेश्चन से जो आईसीआर 2019 में पूछा गया था। देखिए भाई साहब कौन सा क्वेश्चन आया था जो 2019 अभी आईसीआर में पूछा गया था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आईसीआर में फिर रिपीट हो जाए, हो भी सकता है और किसी दूसरे एग्जाम बीएचयू जैसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा जाता है तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है, किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी घुमा के पूछ सकते हैं। मेरे पास एक आईसीआर का पेपर है इस साल का, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था, ये आईसीआर 2019 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। इसमें पूछा है व्हाट आर द रेडियल लोड एंड एंगुलर लोड ऑफ 4d ऑर्बिटल्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन जो है, रेडियल लोड, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड किसमें बताना है इन, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है टाइम को बचाने के लिए, 4d ऑर्बिटल्स। हिंदी में अगर लिखेंगे तो 4d कक्षक में रेडियल लोड और एंगुलर नोड बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आया था अभी आईसीआर में और इसके ऐसे ऑब्जेक्टिव थे 1, 2, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरे पास में, ये आईसीआर पेपर है 3, 2, एक यहाँ पर सी है 4, 2 और इसके बाद डी है 4, 1। देखिए ये क्वेश्चन भी आईसीआर में पूछा गया था और जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने एक महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मॉडल टेस्ट पेपर कुछ चलाए थे मैंने आईसीआर इंपोर्टेंट के लिए, मैंने उसमें उसको बताया था वहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हमारा 4d सबसेल, ठीक, हमें क्या निकालना है रेडियल लोड, तो रेडियल नेट लोड का फार्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन, तो एन माइनस एल माइनस वन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो आ गया आपका 4 माइनस एल, एल डिग्री कितना होगा 2 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1, यानी रेडियल नोड हो गया हमारा 1। तो देखिए पहले मैचिंग करने लगा है। अब एंगुलर नोड निकाल लो, एंगुलर नोड क्या होता है इजकल टू एल, अब एल डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 यहाँ पर, ठीक है, ये डी है इसके लिए कितनी वैल्यू होती है 2, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1, 2। अगर यहाँ पर पूछता टोटल लोड कितना होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल लोड का अभी फार्मूला बताए थे आपको, टोटल लोड वाला वही पुराना फार्मूला है इजकल टू एन माइनस वन, तो यहाँ दिया है कितना 4 माइनस वन इजकल टू 3, और वैसे भी यहाँ पर कितना है 1 प्लस 2, भाई आंसर क्या होगा 1 प्लस 2, यहाँ पर 1 और +2, तो हमेशा याद रखेंगे जो एंगुलर यहाँ पर जो नोड होता है, जो रेडियल नोड की वैल्यू होती है वो हमेशा जो है यहाँ पर ज़्यादा होती है,
ठीक है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर रेडियल नोड निकला हमारा 1 और एंगुलर नोड कितना निकलेगा 2। हाँ, जो एंगुलर नोड की वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, अधिक होती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा इसमें 1 हुआ आपका रेडियल नोड और 2 हो जाएगा हमारे एंगुलर नोड। तो आपको नोड का जो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अब हम लोग इसके वीडियो जो ले आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से, काफी इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, जो भी ट्रिक हमारे रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, केमिस्ट्री के वीडियो को BHYSR के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। थैंक यू।